जो कॉन्सेप्ट हमने समझे है उसके बेस पर, वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बेस पर कुछ क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं इस तरीके से लिखूं, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें और चेंज ऑफ स्केल की बात करें, तो सेंट्रल टेंडेंसी के सभी मेजर्स, मीन मीडियन मोड, सभी मेजर्स ओरिजिन पर भी डिपेंडेंट है और स्केल पर भी डिपेंडेंट है, जबकि डिस्पर्सन का मेजर ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ स्केल पर डिपेंडेंट है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, जबकि डिस्पर्सन का मेजर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मतलब ओरिजिन का चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल का चेंज करो तो डिस्पर्सन में फर्क पड़ेगा, और सेंट्रल टेंडेंसी में कोई भी चेंज करो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो दोनों पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये लॉजिक को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। देखो, यहां तक के जो भी मेजर्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के हैं और बाकी के जो है वो डिस्पर्सन के मेजर्स हैं। चलिए, अब कनेक्शन ये है कि ओल्ड वैल्यू मतलब एक्स, एक्स हमारा ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, और एक्स को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं तो नया ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो वाई है, और वाई जो है वो नया ऑब्जर्वेशन है। तो ओल्ड वैल्यू जो है वो एक्स के लिए होगी और न्यू वैल्यू जो है वो वाई के लिए होगी, और वाई क्या है, 2 + 3x। एक ये केस लेते हैं। दूसरा केस ऐसा लेते हैं कि वाई जो है वो 18 - 2x है, मतलब एक्स को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं और 18 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा वाई, उसमें भी ओल्ड वैल्यू मतलब एक्स और न्यू वैल्यू मतलब वाई। तो ये एक स्ट्रक्चर रेडी है हमारे पास। अब देखते हैं कि सपोज x के लिए एरिथमेटिक मीन 6 है, और x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो फॉर x एरिथमेटिक मीन इज 6, मतलब ओल्ड वैल्यू 6 है। अब सपोज मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं तो y बन रहा है, तो y के लिए मीन क्या होगा, x का 6 है तो y का क्या होगा। तो मान के चलो कि x एरिथमेटिक मीन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, वो ओरिजिन पर भी और स्केल पर भी दोनों पर डिपेंडेंट है, तो जो भी चेंज आपने स्केल और ओरिजिन का किया है वो दोनों चेंजेस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी आपको y बार मिलेगा। इसका यह मतलब है कि सपोज y इज इक्वल टू 2 + 3x, तो y बार भी क्या होगा, 2 + 3x बार होगा। तो ये जो x बार है, ठीक है, वो कितना है, वो तो 6 है, तो आप बोल सकते हो 2 + 3 × 6, सो 18 + 2, मतलब ये हो जाएगा 2 + 18, मतलब ये 20। तो y के लिए एरिथमेटिक मीन क्या होगा, आप लिख दो 20। क्लियर। अच्छा सर, एरिथमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन। भाई एरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो चलिए 5 रखें, तो 5 × 3 15 + 2, मतलब ये हो जाएगा 70। 3.9 × 3 11.7 + 2, तो ये हो जाएगा 13
0.7। चलिए मोड की बात करें, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी का ही मेजर है, तो 4 × 3 = 12, 12 + 2 मतलब ये हो जाएगा 14। अब आते हैं रेंज, तो क्या रेंज में भी ऐसा कर दे 28 × 3 + 2? नहीं, प्लस 2 नहीं करने का। क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन का फैक्टर है, ये स्केल का फैक्टर है, तो डिस्पर्सन का हर मेजर ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ स्केल पर डिपेंडेंट है, तो हम तो सिर्फ स्केल फैक्टर को देखेंगे, ओरिजिन को तो देखेंगे नहीं। तो 3 × 28 मतलब ये हो जाएगा 84। चलो क्वार्टाइल डेविएशन है 13.8, लेकिन वो है कौन सा? डिस्पर्सन का मेजर, ओरिजिन को नहीं देखने का, सिर्फ स्केल को देखो। 13.8 × 3 करेंगे तो 41.4। चलिए मीन डेविएशन 12 × 3 = 36, ओरिजिन का फैक्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना होगा? 8 × 3 = 24, प्लस 2 देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहां तक कभी नहीं आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा। वेरियंस 49 है, स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? 49 डिस्पर्सन, 49 × 3 = 147 इसका आंसर। मैं बोलूं बिल्कुल गलत, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होता सर। तो क्या दो एयर करेंगे? बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनिए। वेरियंस 49 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे इसका 49 का तो वो 7। और ये जो रूल है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वो डिस्पर्सन के मेजर के लिए, डिस्पर्सन का मेजर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरियंस जो है वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे काम कर रहा है वो मालूम है, वेरियंस का पता नहीं, तो वेरियंस को पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन 8 था तो उसका 24 हुआ, तो वेरियंस 49 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? वाई का, वो 7 × 3 = 21 होगा। तो 21 जो है वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वेरियंस 49 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है ओरिजिनली, और ओरिजिनल 7 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 21 होगा। तो 21 तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन मेरा क्वेश्चन न्यू वेरियंस का है, तो न्यू वेरियंस क्या होगा? 21 का ही स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 441 मिलेगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ध्यान से फिर से समझिएगा। वेरियंस का न्यू वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में, फिर नया स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो नया वेरिएंस मिलेगा। ये पैटर्न से जाना है, तो चलिए ये भी हो गया। अच्छा, लेकिन अब नया एक, ये वैल्यू जो है वाई की, वो पहले 2 + 3x थी, अब है 18 − 2x। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स है वो तो डिपेंडेंट दोनों पर है, ओरिजिन पर भी डिपेंडेंट और स्केल पर भी डिपेंडेंट, तो जो भी चेंजेस है वो सब होंगे। जैसे ये 6 है तो 2 × 6 = 12, और 18 − 12 करेंगे तो ये आंसर कितना होगा? फिर से भी 6 हुआ, वो बाय चांस है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये है। देखो 6 × 2 = 12, 18 − 12 = 6। अब यहां पर 18 − 5 × 2 ज्योमेट्रिक मीन तो 10, 18 − 10 मतलब ये 8 हो जाएगा। चलिए 3.9 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 78, मतलब 7.8, और 18 में से हमें 7.8 माइनस करना है तो ये बचेगा 10.2, तो नया होगा वैल्यू मिलियन का 10.2। मोड 4 है तो 4 × 8, 18 − 8 तो ये हो जाएगा 10। रेंज की बात करें
रेंज 28 है तो माइनस टू से सब नहीं, मैंने पहले बताया था मॉड्यूलस में रखेंगे, मतलब डिस्पर्जन का मेजर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, ओरिजिन को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्केल फैक्टर देखेंगे, लेकिन स्केल फैक्टर माइनस टू नहीं, माइनस टू मॉड्यूलस में रखेंगे इनटू रेंज ऑफ एक्स। चलो रेंज ऑफ एक्स क्या है, 28 है, तो 2 इंटू 28 मतलब ये हो जाएगा 56। ऐसे ही 13.8 इंटू 2 तो ये हो जाए होने वाला है 27.6। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, माइनस 2 नहीं, अभी हम प्लस 2 ही समझ के चलेंगे क्योंकि डिस्पर्जन का मेजर नेगेटिव नहीं होता। मीन डेविएशन 12 2 24, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 8 2 16, 49 तो वेयर एल्स है, तो पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 7 7 2 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, तो ये रिलेटेंस होगा 196। तो ये जो चार्ट है, ठीक है, इससे आपको एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल रियली कैसे अप्लाई करेंगे और कौन से मेजर पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको ये चार्ट से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके बेस पर अभी जितने भी क्वेश्चन बाकी है, ये स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में, वो सब आप खत्म कर दो, ठीक है, और इसके बाद वाला जो अभी सेशन है, ठीक है, वो एमसीक्यू डिस्कशन का होगा, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।